राज्य सरकार के मिशन बिगन अगेन के तर्ज पर आज मार्केट शुरू हुए। नागपुर का बर्डी मार्केट भी आज से शुरू किया गया, जहां रास्ते के एक तरफ की दुकानें खोली गई और एक तरफ की दुकानें बंद रखी गई। बर्डी मार्केट का जायजा लिया है V24 ने। राज्य सरकार के मिशन बिगन अगेन के तर्ज पर मार्केट शुरू किए गए। इसी तर्ज पर शहर का सबसे प्रसिद्ध बर्डी मार्केट भी आज से शुरू हुआ। बाजार के एक तरफ की दुकानें आज शुरू हुई। वही दुकान भले ही शुरू हो, लेकिन ग्राहकों की आवाजाही ना के बराबर है। कोरोना के चलते दुकानदार भी सावधानियां बरत रहे हैं। बर्डी मार्केट के दुकानदार अर्जुन बिजलानी ने बताया कि वो दुकान में एक समय में 5 ग्राहकों को ही लेने वाले हैं। वही दुकान में आने वाले सारे ग्राहकों की स्क्रीनिंग भी वो कर रहे हैं। अभी पहला दिन होने की वजह से क्या है, लोगों को भी उतनी जानकारी है नहीं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जानकारी जब तक 2-4 दिन लगेंगे इसको मिलने को। धूप भी पड़ गई है और लोगों को डर भी है कोरोना का, इसलिए उतना भी घर से निकल नहीं रहे। 2-4-5 दिन में लोग धीरे धीरे निकलना शुरू करेंगे, तब मार्केट में थोड़ी बहुत ग्राहकी की आशा है। आपने क्या प्रिकॉशन लिया है अपनी दुकान पे? हम लोग तो टोटल सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हो गया, उसके लिए मार्किंग के सब पूरा हमने सैनिटाइजर वो रखे हुए हैं हमारे। जो कस्टमर आ रहा है, समझो नहीं पहन के आया, तो उसको हम लोग अपनी तरफ से ही दे रहे मास्क पहनने को। बगैर मास्क के दुकान में नहीं आना चाहिए करके। और 5 से ज़्यादा लोगों को हम एंट्री नहीं दे रहे दुकान में। सुबह से जितने भी कस्टमर आए तो उनका सब चेक करें, उसके बाद में हम लोग उनका सबका ही चेक करें टेम्परेचर वगैरह, उसके बाद उनको एंट्री नहीं देते। किसी का लगा तो अभी तक तो किसी का हुआ नहीं ऐसा। और अभी सरकार ने एक दिन आड़ आपकी दुकान से हाँ ऑड इवन किया है। एक्चुअली बर्डी मार्केट लेकिन वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रोड बहुत बड़ा है। यहाँ पे दोनों लाइन चालू रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। दुकान का नाम सुपर चॉइस है, मेन रोड सीता बर्डी नागपुर। आज मार्केट का पहला दिन है और मार्केट में गिराकी बिल्कुल नहीं है। दिन भर बैठे बैठे हम लोग परेशान हो गए। मार्केट पूरी तरह ओपन होना चाहिए तो गिराकी खुलेंगी मार्केट में। कोरोना का डर है सरकार? कोरोना का बहुत डर है पब्लिक में, कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। सरकार ने एक दिन आड़ अपनी दुकान चालू करने को कहा है। हाँ, एक दिन दुकान चालू करने से एक दिन सरकार ने एक दिन चालू रखो एक दिन बंद रखो। नुकसान हो पाएगा? कितना नुकसान होगा आपका? अभी हम महीने में 12-15 दिन ही दुकान खुलना है, नुकसान ही है ना। गिराकी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कोरोना की दहशत इतनी है कि कस्टमर ही नहीं आ रहा कोई यहाँ पे। हमारा कहना था कम से कम टाइम लिमिटेशन 7 बजे का रखना था, जो गवर्नमेंट ने 5 बजे का रखिए, कम से कम 7 बजे तक तो रखे ना। लोग ऑफिस टाइम में 5 बजे छुट्टी होती है तो कम से कम बाद में मार्केट में निकलेंगे, कुछ खरीदी करेंगे, पर 5 बजे तो दुकान ही बंद करना है अपने को। 7 बजे का कम से कम टाइम होना चाहिए। क्या वो तो सभी परेशान हो गए एकदम, गुजारा क्या, आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया था, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई लोगों को। अभी जब मार्केट खुला है तो उससे समाधान आप खुला? अब खुला है तो कम से कम थोड़ी रूटीन तो बढ़ेंगी ना। घर बैठने से अच्छा आदमी दुकान में बैठेगा, कुछ काम करेगा, धीरे धीरे रोलिंग आएंगी, अभी टाइम तो लगेगा ना उसको। तो वही अन्य दुकानदारों की माने तो दुकानों में ग्राहक की नदारद है। साथ ही दुकानदारों को दिए गए समय सीमा बढ़ाने की भी मांग दुकानदार कर रहे हैं। सरकार के मिशन बिगेन अगेन के तर्ज पर आज नागपुर में मार्केट खोले गए हैं। मैं फिलहाल नागपुर के बर्डी मार्केट में हूँ और ये जो पहला नज़ारा है नागपुर के बर्डी मार्केट का आपको दिखाई दे रहा है। सरकार ने जिस तरह से गाइडलाइंस दी है कि एक तरफ रास्ते के एक तरफ की दुकान एक दिन खुलेगी और दूसरे तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुलेगी, तो आपको पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है। मेरे जो दाहिने तरफ है वहाँ पे जो दुकानें हैं वो फिलहाल बंद दिखाई दे रही है, तो वही जो बाईने तरफ है तो यहाँ पे पूरे जो दुकानें हैं वो खुली दिखाई दे रही है। तो ये पहला दिन है जो जहाँ पर आज नागपुर में मार्केट ओपन हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही फिलहाल बंद है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है या फिर लोगों के दिमाग में डर बैठा है कि कोरोना वायरस है, इसके कारण जो है लोगों की आवाजाही फिलहाल कम दिखाई दे रही है। वरना ये नागपुर का जो बर्डी एरिया है हमेशा ही खचाखच भरा हुआ रहता था। हालांकि जब हमने कुछ दुकानदारों से बात की तो उनका कहना ये है कि नागपुर का जो बर्डी एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, इसका रास्ता तो दोनों तरफ से अगर दुकानें खोलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिलहाल सरकार ने जो गाइडलाइंस दी उसके मुताबिक एक तरफ के रास्ते से दुकानें खोलने की उन्होंने गाइडलाइंस दी है। उसके तरफ पर नागपुर का बर्डी मार्केट है, आप देख सकते हैं कि एक तरफ पूरी तरह से दुकानें खुली है। तो वहीं कुछ जो फुटपाथ के दुकानदार है वो दिखाई दे रहे हैं, जो अपने वो रास्ते के दूसरे बाजू में जो अपनी दुकानें लगाए हुए हैं। तो ये मार्केट जिस तरह से सरकार ने कहा है कि मिशन बिगन अगेन, तो उसी के तर्ज पर फिलहाल नागपुर में जो है मार्केट खुल रहे हैं बड़ी संख्या में अभी फिलहाल। हालांकि लोग आने से कतरा रहे, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में व्यापारियों का कहना है कि लोगों के दिमाग से तो कोरोना का डर थोड़ा कम होगा और बाज़ार में जो आवाजाही है
वो बढ़ती जाएगी। कैमरा पर्सन बादल नंदावर के साथ अमित वांद्रे, पी24 तास, नागपुर।